Thank you.
देख सकते हैं मैं रोटी को किस तरह मजे से पठानों की तरह फ्लिप कर 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 के इसको गोल बना रही हूँ और इसका साइज बड़ा कर रही हूँ। ये देखें, एक दूसरे के हाथ से जब प्रेशर से हम फ्लिप करते हैं तो जिधर से हमें इनलार्ज करना होता है उस साइड को अपनी हथेली पर प्रेस करके मार के फ्लिप करते हैं तो वो उसका साइज इनलार्ज होता रहता है। तो मैंने आप लोगों को दो तरीके से इस तरह रोटी नान बनाना सिखाई, एक पटले पे प्रेस कर करके और एक हाथों से रोटी को फ्लिप कर करके। फ्लिप मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया ना वो रोटी को फ्लिप कर करके, इससे एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पठानी मेरे अंदर वो आ रहा था, मज़ा आ रहा था। आप लोगों को भी देखने में मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं आगे। दूसरा ये कि हम इस नान को दो तरीके से इसको पका सकते हैं, एक ओवन में जिसका मैंने टेम्परेचर और टाइमिंग मेंशन कर दिया है और एक चूल्हे पे। चूल्हे पे आप कोई सा फ्राइंग पैन ले लो या तवा ले लो, उस पर आप एक साइड पहले कुक करो, फिर जब नीचे की साइड 5 मिनट कुक हो जाए, 5 से 10 मिनट, तो फिर आप उसकी साइड फ्लिप करके दूसरी साइड कुक करो और इस तरह से 10 से 15 मिनट में आपकी नान हो जाएगी तैयार, खस्ता करारी जबरदस्त सी नान। सो फ्रेंड्स, देखा आपने हमने ये कितना क्रिस्पी सा ये नान रेडी कर लिया कीमे वाला। तो चले अब इसे हम करते हैं टेस्ट। देखें कितना क्रिस्प साउंड है, अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सा नान है ये। देखें तो चले अब हम इसे टेस्ट करते हैं। वाओ, अमेजिंग जायका, इतना ज़बरदस्त क्रिस्प, अंदर इसके कीमे के ज़बरदस्त फ्लेवर्स, मज़ा आ जाएगा। गाइस डू ट्राई माय रेसिपी और अगर मेरी वीडियो पसंद आई सो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जल्द मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।